नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार को बताया असली सहयोगी, कहा एनडीए में आ गए, अब नीतीश कुमार फिर नौवीं बार बने बिहार का सीएम। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने रविवार 28 जनवरी को फिर से नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। वही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरोसा जताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार की विकास की गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार विकास की ओर अग्रसर होगा। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार के लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ हमारे असली गठबंधन को जनादेश दिया था और अब डबल इंजन की सरकार राज्य का विकास करेगी। उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए हैं। उन्होंने कहा, जब भी बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, स्थिरता आई है और डबल इंजन का बेहतर प्रभाव रहेगा। आगे लंबी छलांग की तैयारी है, इत्यादि। ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। वैसे तो मैंने सिर्फ एक बाइक देनी थी, लेकिन इन्होंने कुछ उसको दूसरा रूप दे दिया। आज के इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हमारे अभी जिन्होंने शपथ ली और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय सम्राट चौधरी जी, हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी, श्री प्रेम जी, मंगल पांडे जी और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, अभी अभी हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में नवगठित सरकार एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से निवृत्त होकर यहाँ आपसे रुखसत हुए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब तक बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर एक तरीके से चरमरा रहा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए का अलायंस बनता है तो स्टेबिलिटी आती है और उसी से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा एक अहम भूमिका भी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यह डबल इंजन की सरकार में उन्होंने जो निश्चय लिया है
उसके बहुत ही अच्छे प्रमाण और अच्छे प्रभाव बिहार के दृष्टि से होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। जहां तक इंडिया अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, जो अपने आप में एक तरीके से बेनतीजे समाप्त हुई, और ये जो अभी इनकी अन्याय यात्रा और भारत तोड़ो यात्रा है, और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। और यहां यह भी मैं कहना चाहता हूं कि ये इंडिया अलायंस कोई और अलायंस नहीं था, ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस था, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है, ये अलायंस जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनका जमावड़ा है, और यह अलायंस तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला अलायंस है। और आज भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ज्ञान की ओर आगे बढ़ रही है, गरीब कल्याण, युवाओं का उत्थान, अन्नदाता के साथ आगे बढ़ने का निश्चय और नारी शक्ति को सशक्त करना, इसके तरफ मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए इंडिया अलायंस का जो हुआ है वो आप सबके सामने है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में ये जो सरकार एनडीए की बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, इसमें स्टेबिलिटी आएगी, इसके कारण विकास को नई गति मिलेगी, डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से बिहार को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेगी और एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी है। और इसके साथ साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका साथ, इसको लेकर के चलने वाला ये जो मंत्र है, इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए उज्जवल विकास के लिए और उज्जवल बिहार के लिए यह जो नई सरकार एनडीए की बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक उज्जवल बिहार को बढ़ाने में सक्षम रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। लगता है लोकसभा चुनाव में सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि 2019 में 39 सीटें जीती थी आप लोगों ने, नाराजगी थोड़ी बहुत नीतीश को लेकर जीती थी जनता की। हम स्वीप करेंगे लोकसभा का चुनाव, बिहार में हम सभी सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।